हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नई और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। और वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके रिजल्ट से रिलेटेड है। जैसा आप सब लोग जान रहे हैं कि फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी का रिजल्ट आ चुका है पॉलिटेक्निक का। अब जो रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चे परेशान हैं अपने मार्क्स को लेकर, अपने रिजल्ट्स को लेकर, तो री इवेल्युएशन और री चेकिंग की डेट आई थी, उस डेट को एक्सटेंड किया गया है। उसी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम की है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उसी के रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या, आइए देखते हैं वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक पीडीएफ है प्रेस नोट, और इस प्रेस नोट में लिखा गया प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा बैक, विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2024 का परीक्षा परिणाम अध्यक्ष यानी 3/10/2000 को घोषित किया गया। और फिर नेक्स्ट में लिखा गया कि परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट होने पर छात्र छात्राओं की शिकायत के समाधान हेतु श्री आशीष पटेल माननीय मंत्री प्राविधिक शिक्षा परिषद विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए निर्देश के अनुक्रम में 9/10/2024 को श्री अविनाश कृष्ण सिंह महानिदेशक प्राविधिक शिक्षा परिषद विभाग उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में आहूत की गई और कुछ निर्णय लिए गए। क्या निर्णय लिए गए वो देखा जाए तो यहाँ पे आपको चार पॉइंट दिख रहे हैं, इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। और इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो पॉइंट अगर आप देखें तो छात्र हित के दृष्टिगत परिषद द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं को निशुल्क अवलोकन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप निशुल्क अपनी कॉपी देख सकते हैं। ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अब आप अपनी कॉपी देख सकते हैं कि आपने लिखा क्या है, आपको कैसे मार्क्स आपको मिले हैं और क्यों आपके मार्क्स कम है। तो कॉपी देखना, निःशुल्क अवलोकन परिषद के पोर्टल BTUPNIC पर उपलब्ध कराया जा रहा है, अभी दिया जाएगा। समस्त इच्छुक छात्र छात्राएं 16/10 से लेकर 19/10/2024 के साय 5 बजे तक अपने उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर सकते हैं। यानी जो अब अपनी कॉपी देखना चाहते हैं कि हमें मार्क्स कम क्यों मिले हैं, उसकी डेट इन्होंने 16 से 19 कर दी है, ठीक। यानी 16 तारीख से 19 तारीख तक आप उसको वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके हेतु उन्होंने परिषद की वेबसाइट ई सर्विस जनहित, आपको अभी पोर्टल पे मैं दिखा दूंगा, ई सर्विस जनहित के माध्यम से आपको दिनांक 11 से 14 सायं 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक। यानी अब आपको रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है कि 11 से 14 तक आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब सारे लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तब कॉपियां 16 से लेकर 19 तक आपको कॉपी देखने को मिलेगी। तो रजिस्ट्रेशन पहले आपको करना है 11 से 14, और जो कॉपी देखने को मिलेगी वो 16 से 19 तक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि अब अपनी कॉपी आप देख सकते हैं कि आपको मार्क्स कम क्यों मिले हैं। अब सेकंड लिखा गया, उत्तर पुस्तिका के अवलोकन उपरांत यदि छात्र छात्राओं को ऐसा प्रतीत होता है कि मूल्यांकन में अनियमितता बरती गई तो इस संबंध में उच्च अधिकारी से शिकायत कर उसका अब अगर आपको लग रहा है कि आपको मार्क्स कम मिले हैं, आप अपने टीचर से भी कॉपी दिखवा सकते हैं। अब दिखाने के बाद आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स कम है तब आप उसका फिर कंप्लेन करेंगे, और कंप्लेन करने के बाद अब उस पर फिर आपको कार्रवाई होगी। ऐसे छात्र छात्राएं जो अपने मूल्यांकन अंक से असंतुष्ट हैं पुनः मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकते हैं। छात्र पुनः मूल्यांकन, अब शुल्क मैंने इसके पहले वीडियो में बताया कि जो 500 शुल्क था अब वो घटा के कितना कर दिया गया, 250 रुपये, रिवेल्यूशन का 250 रुपये कर दिया गया है। अब 250 रुपये के बाद जिन बच्चों ने 500 जमा किया है उनका एक मंथ के अंदर पैसा जिस भी खाते से कटा उस खाते से वापस आ जाएगा। पुनः मूल्यांकन आवेदन संबंधित विस्तृत आपको बीटी पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए सारी वो बीटी के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी था कि अगर आप परेशान हैं कि हमारा मार्क्स कम है तो अब आपको बोर्ड ने बहुत ही अच्छी सुविधा, पहली बार ये सुविधा इन्होंने दी कि अब अपना उत्तर पुस्तिका बिना किसी शुल्क के आप देख सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए आपको कहां पे जाना है, जनहित में। तो आइए मैं दिखाऊं जनहित में कहां पे आपको जाना पड़ेगा। तो चलते हैं बीटी की वेबसाइट पे। तो ये उत्तर प्रदेश यानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट है, और यहां पे देखें तो ऊपर के टैब में आपको टैब मिल रहा है यहां पे ई सर्विस जनहित स्टेटस यानी जनहित एप्लीकेंट्स। यहां पे जब आप आएंगे अपना एनरोलमेंट और पासवर्ड तो यहीं पे आपको लिंक दिया जाएगा। अभी वो लिंक दिया जाएगा क्योंकि जो आपका रजिस्ट्रेशन होना है वो कब से होना है, 11 तारीख से। तो यहां पे किया जा रहा है कि BTE.UP पे उपलब्ध कराया जा रहा है।
तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। तो ये इन्फॉर्मेशन आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि अब हम लोग कॉपी अपनी निःशुल्क देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिले, सारे लोग जान पाएं। और फिर इसी तरह से कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जैसे ही इसका पोर्टल ओपन होता है तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे इस फॉर्म को फिलअप किया जाता है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।